ऑफिसर्स और अपने जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल हैं उनके साथ और अपना निगम के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। उसमें पहले मैंने अपने कर्मचारियों को सुना, जो सफाई सेवक आपके यहाँ कहते हैं, उनकी समस्याओं को सुना। उसके बाद अधिकारियों से बात की, जिसमें मेजर मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ आई वो ये है कि जैसे सबसे मैंडेटरी हमारे आयोग की है कि मैन्युअली हमको कोई काम नहीं कराना है। जैसे सीवरों की सफाई मैन्युअली नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार, लेकिन आज भी होशियारपुर में मैन्युअली कराया जा रहा है। मैंने आज निर्देश किया और सफाई सीवर मैन को भी मैंने निर्देश किया कि आप लोग कहीं भी कोई कितना भी बड़ा ऑफिसर आपको कहे मैनहोल में जाने के लिए, सीवर की सफाई मैनुअली करने के लिए आप नहीं करेंगे विदाउट प्रिकॉशन, विदाउट सेफ्टी गियर्स, विदाउट चेक किए कहीं भी आप मेन होल में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि कहीं भी आप सीवर की सफाई मैनुअली नहीं करा सकते। अगर कोई कराता है, मशीन मैकेनाइज नहीं कराता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा एक समस्या यहाँ लोगों सफाई सेवकों ने बोली कि जो लोग मोहल्ला सैनिटेशन का काम करते हैं, वो लोग जो लोग सब मोहल्ला सैनिटेशन में काम कर रहे हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जा रही है, 3,000 रुपये मात्र दिए जा रहा है। 3,000 रुपये मिनिमम वेज भी नहीं है राज्य सरकार का, जो पंजाब राज्य सरकार का मिनिमम वेज है वो करीब 8,455 रुपये है, जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए भी मैंने निर्देश किया और शासन से, इन लोगों ने निगम ने भी लिखा है शासन को, मैंने उनसे भी मांगा कि आप मुझे डिटेल दीजिए ताकि मैं भी बात कर सकूं उसका समाधान कराने के लिए। सेफ्टी गियर देने के लिए मैंने आज निर्देश किया। दूसरा इनके स्वास्थ्य की चिंता, जैसे कि स्वास्थ्य चेकअप कैंप होना चाहिए, ये लोग सबसे ज़्यादा गंदगी का काम करते हैं, इनके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो साल में 2 बार स्वास्थ्य चेकअप कैंप होना चाहिए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उन योजनाओं का अगर उन लोगों के पास जानकारी नहीं है तो कैंप लगाकर जल्द से जल्द उनको जानकारी दें ताकि लोग लाभान्वित हो सकें।